मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में हनुमान जी के मंदिर पर सुंदरकांड वो हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, जिसमें गांव दुंदड़का में भी हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जहां मौके पर उपस्थित ब्लॉक महामंत्री हरिप्रसाद माली, मंडल अध्यक्ष रवि भाई पटेवरा, कमलेश जैन, नगर अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मकवाना, पंडित गोपाल जी पाराशर, भरतलाल मालवी, पंत सुरेश परिहार, जुगल किशोर, पाटीदार सुंदरलाल शर्मा, राम भक्त, कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। भरतलाल मालवी की रिपोर्ट, ग्राम दुंदड़का, मंदसौर। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हम सभी यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभी 11:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ का सभी कांग्रेसजनों ने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया है और उन्हीं के दिशा निर्देशों में अयोध्या के मंदिर के निर्माण की पूर्व संध्या पर आज शाम को सभी घर घर हम दीपक भी लगाएंगे और इस खुशी के पल को हम सब मिलकर यहाँ पर बांट रहे हैं। हालांकि राम जन्मभूमि पर वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी जी द्वारा वहाँ पर उस समय ताले खुलवा दिए गए थे और शिलान्यास भी कर दिया गया था। उस समय से कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का के आदेश अनुसार यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम यहाँ पर बिना हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी मिलकर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के अंदर हम सभी साथ हैं और हम सभी धर्म प्रेमी जनताओं से भी हम निवेदन करते हैं कि राम जन्म भूमि पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें सभी मिलकर तन मन से धन से सहयोग करें और हमें इस हिंदू राष्ट्र की ओर हमें इस देश को और अग्रसर करना है। आज जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जो आह्वान किया था कि 11:30-12 बजे के लगभग हर हनुमान जी के मंदिर पर, राम मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा जो पाठ करना है, उस दिशा निर्देश को मानते हुए हमने आज हनुमान चालीसा का पाठ करा और देश के गांव के लोगों से भी बार बार हम ये अपील करते हैं कि राम मंदिर में तन मन धन से सहयोग प्रदान करें और एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर बढ़े।